गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारी ये वीडियो हमारे करियर सीरीज को लेकर, और ये हमारी वीडियो है हाउ टू बी द चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन कैनेडा। थोड़ी सी लेट हो गई ये वीडियो लाने में, क्यों? क्योंकि मुझे एक राइट कैंडिडेट भी ढूंढना था इस वीडियो के लिए। तो अलीशा इज ऑलरेडी अ चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन कैनेडा एंड शी इज वर्किंग ऑन दिस प्रोफेशन। तो हम अलीशा की जर्नी जानेंगे कि वो कहाँ से हैं, व्हाई दे शी टुक दिस डेजिग्नेशन, किस तरह की जॉब कर रही हैं, सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके से आप ये डेजिग्नेशन ले सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जो हमें बताएंगी अलीशा। वेलकम टू द चैनल अलीशा। थैंक यू। तो अलीशा, पहले तो हम शुरू करते हैं, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें दीजिए कि आप कहाँ से हो, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कनाडा में कब आए? तो मैंने ACCA किया है फ्रॉम बैक होम। मैंने इंटर के बाद ACCA स्टार्ट कर दिया था। तो ACCA के बाद मैंने इंटरनल ऑडिट में जॉब की एंड देन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में होते थे। उसके बाद आई मूव टू कनाडा इन मिड 2019। उसके बाद से ये कि आई हैव बीन वर्किंग एज एन अकाउंट एनालिस्ट एट इन वन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये है कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इज ACCA और एक्सपीरियंस इज रिलेटिंग टू इंटरनल ऑडिट। ओके, और ये ACCA कितने साल का होता है? ACCA साल का नहीं होता, इट्स एक्चुअली अ फ्लेक्सिबल प्रोग्राम। उसमें 14 एग्जाम्स होते हैं जो आप अपनी पेस पे दे सकते हैं। सो मैक्सिमम इज लाइक आप पहले ये होता था कि एवरी 6 मंथ्स पे एग्जाम होते थे और मैक्सिमम आप 4 कोर्सेज ले सकते थे। अब ये कि एवरी 3 मंथ्स पे एग्जाम होते हैं, तो ये कि आप अपने पेस पे नॉर्मली लोगों को 3-3.5 ईयर्स लगते हैं। तो इज इट लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया? ACCA इज अ ग्लोबल प्रोग्राम, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, और इवन कैनेडा में भी लोग रह के ACCA कर सकते हैं। द रीज़न बीइंग कि आप जब ACCA कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी दूसरी अकाउंटिंग बॉडीज़ में एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं। ओके, तो वो लोग जो पाकिस्तान से या इंडिया से बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ कॉमर्स या फिर मास्टर्स ऑफ कॉमर्स करके आते हैं, BCom, MCom, तो वो लोग भी यहाँ पर आकर CPA डेजिग्नेशन ले सकते हैं, राइट? बिल्कुल। इवन अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स अकाउंटेंसी मेजर के साथ किया हुआ है तो यू गेट अ लॉट ऑफ एग्जेम्पशंस, स्पेशली इफ़ यू स्टडी इन कैनेडा। अगर आप बाहर से भी करके आ रहे हैं तो यू नीड टू हैव अकाउंटेंसी एज योर मेजर्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट CPA। अगर आपका अकाउंटेंसी मेजर नहीं है फिर भी आप CPA कर सकते हैं, लेकिन अगेन उससे पहले आपको कोई प्रिपरेटरी कोर्सेज करने होंगे जो कि CPA ऑफर करता है। ओके, तो जब आप कैनेडा में आए तो आपने आपने CPA शुरू कर दिया था या पहले कोई अकाउंटेंसी में जॉब ढूंढी थी? नहीं, एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था CPA करने का। मैं मतलब था नहीं दिमाग में, बस आते ही पहली चीज़ जो होती है जॉब चाहिए, ठीक है? तो आई वाज लाइक जॉब चाहिए। तो मेरे ACCA के बेसिस पे ही मुझे जॉब मिल गई थी एज एन अकाउंट एनालिस्ट। तो ये कि मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। अब जब मेरी जॉब को 6 महीने 1 साल हुआ तो मुझे लगा कि यार आई नीड प्रोग्रेशन, तो मैं देखूँ आगे के क्या है, मतलब मैं जॉब देख रही थी, मेरा स्टडी के जाने का कोई प्लान नहीं था। बट फिर जब मैं जॉब देख रही थी एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट या एज सीनियर अकाउंटेंट या हायर करियर ऑप्शंस, तो उस पर था मस्ट हैव और गुड टू हैव CPA। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि चलो देखते हैं CPA के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कितनी कॉस्ट है, एंड देन आई डिसाइडेड टू डू इट। ओके, सो हियर द टेक होम इज, अगर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स या मास्टर्स ऑफ कॉमर्स डेजिग्नेशन के साथ भी कनाडा में आ रहे हैं, ACCA क्वालिफिकेशन के साथ कनाडा में आ रहे हैं, आपका कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड है, कनाडा में जॉब्स मिल सकती है, राइट? Exactly. ऐसा नहीं है कि आपको CPA चाहिए या यहाँ की कोई क्वालिफिकेशन, यहाँ का कोई स्टडी या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो वही जो क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि BCom किया हुआ है, MCom किया हुआ है, कनाडा में क्या स्कोप है, तो येस, यू कैन गेट अकाउंटेंसी जॉब, यू कैन गेट बिजनेस एनालिस्ट जॉब्स, राइट? तो जॉब्स है, बट अगर आपको वो जॉब्स, मतलब मेरे ख्याल से वो क्या एक सैलरी रेंज बताओगे BCom MCom की, एक नॉर्मल अकाउंटिंग जॉब पे क्या सैलरीज मिल जाती होंगी? तो अगर आपने नॉर्मल BCom MCom किया एंड यू आप अगर एज एन अकाउंटेंट जॉब स्टार्ट करते हैं तो एंट्री लेवल शुड बी अराउंड 35-40,000, वेराइज अगर आप CPA कर लेते हैं तो एंट्री लेवल शुड बी अबाउट 50-55,000। तो ये आपका यहाँ पर गैप आ जाता है। तो अब जब आपको लगा कि यार करियर में एडवांसमेंट्स चाहिए या जॉब प्रोफाइल एक बेटर करना है, बेटर कंपनी लेनी है, तो यू डिसाइडेड फॉर CPA। तो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप समबडी कैन डू टू रजिस्टर फॉर CPA? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। CPA जो है वो बहुत सारे अकाउंटिंग बॉडीज़ का CPA के साथ है। एक तो MRA है विच इज़ लाइक म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट, और एक है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ACCA और CPA का था MRA, उसमें ये था कि इफ़ यू आर एन ACCA मेंबर तो आपके लिए बहुत ईजी जर्नी थी टू बिकम अ CPA मेंबर डायरेक्टली। उसमें ये था कि यू जस्ट हैड टू रजिस्टर, आपको मेंबरशिप फ़ी पे करनी थी, यू जस्ट हैड टू टेक वन कोर्स, वो एग्ज़ाम भी नहीं था, इट वॉज जस्ट अ कोर्स विच इज़ लाइक ओवरव्यू ऑफ कैनेडियन टैक्स एंड लॉ, क्योंकि ऑब्वियसली हमने UK का टैक्स एंड लॉ पढ़ा हुआ है, राइट? तो यहाँ पर हमें वो एक कोर्स लेना था, उसके अलावा आपने वेस्ट करवाना था कोर्स बाई कोर्स एवेल्यूएशन,
और बस थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स थे एंड दैट इज इट. सो जस्ट आई जस्ट हैड टू डू लाइक वन कोर्स. व्हाई? बिकॉज़ आई वाज एन एसीए मेंबर फ्रॉम बैक होम. ओके, तो उनको सीपीए का मेंबर बनने के लिए, तो सीपीए के लिए आपको एक मेंबर बनना पड़ता है. किस बॉडी का मेंबर बनना पड़ता है? सीपीए मेंबर. सीपीए मेंबर. ओके, तो सीपीए मेंबर बनने के लिए उनको सिर्फ एक कोर्स करना था कनाडा के टैक्सेशन के ऊपर, फीस पे करनी थी, डॉक्यूमेंटेशन, एंड यू वर डन. ओके, सो दैट वाज योर इजी जर्नी. तो सीपीए का मेंबर बनने के लिए कितनी मेंबरशिप फीस पे करी आपने? एसीसीए के थ्रू फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर फॉर सीपीए और उसके साथ आप मेंबरशिप फी पे कर देते हैं. ठीक है, तो जो वन टाइम फी इज आई गेस इट्स $125 और जो आपकी ईयरली फीस इज अबाउट 814 इफ़ यू रजिस्टर बिटवीन जनवरी एंड जून. जून और दिसंबर के बीच में करते तो इट्स 400 समथिंग. इट्स जस्ट डिवाइडेड प्रो रेटा बेसिस. साल की 800 समथिंग है, 800 एंड समथिंग. लाइक विद टैक्स अगर आप टोटल देखें, मेंबरशिप फीस इज लाइक 500, रजिस्ट्रेशन इज 800. तो अगर टोटल हम देखें तो इट्स 1677 और प्लस टैक्स मिला के आप 1800 जितना. तो माइनर हर साल जो आपने पे करनी होती है वो 800 समथिंग पे करनी होती है. ओके ओके, तो ये तो थी मेंबरशिप फी जो आप पे करोगे एंड रजिस्ट्रेशन फी. लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा कोर्स भी किया था, राइट? तो उसके लिए भी कुछ फीस पे की होगी अपने? दैट इज लाइक $740 इंक्लूडिंग टैक्स. तो एक तो हमने ये पे की अराउंड 1800 फॉर मेंबरशिप एंड रजिस्ट्रेशन. फिर आपने जो कोर्स लिया उसके 740 और उसके अलावा आप वेस्ट जो बिफोर कमिंग टू कनाडा कराते हैं, दैट्स अ डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन. लेकिन अब आपको चाहिए कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन, सो दैट्स लाइक अनदर $150 उसकी फ़ी है. तो ये कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन कौन करता है? जैसे हम कनाडा जब आते हैं तब तो WEFE करते हैं. WEFE करते हैं. तो जो WEFE का इवैल्यूएशन हमने PR के टाइम पे कराया था वो नहीं चलेगा? नहीं, वो नहीं चलेगा. बिकॉज दैट्स लाइक वो सिर्फ आपको बताता है कि योर डिग्री इज इक्विवेलेंट टू अ 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री, राइट? अब वो आपको बताएगा कि आपके कोर्सेज आर दे इक्विवेलेंट टू CPA के कोर्सेज और आपकी क्या CGPA बनेगी. अब अगर कोई ACCA नहीं है, लाइक इंडिया से नॉर्मली लोग एम कॉम करके आते हैं, बी कॉम करके आते हैं, बस कॉमर्स बैकग्राउंड है और उनको सीपीए करना है, तो उनकी क्या जर्नी रहेगी, उनका क्या प्रोसेस रहेगा? ओके, तो सीपीए का जो कोर्स है दैट्स एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 मॉड्यूल्स. प्लस आपको चाहिए 30 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. उसके बाद आप देते हैं एक कॉमन फाइनल एग्जामिनेशन विच इज़ लाइक द लास्ट स्टेप. ठीक है, तो अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है फ्रॉम बैक होम, यू हैव एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद मेजर्स इन अकाउंटिंग, तो आप स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली सीपीए फ्रॉम कोर 1 कोर 2. मॉड्यूल 1 में आपका आता है कोर 1 कोर 2. मॉड्यूल 2 में यू हैव इलेक्टिव्स 1 इलेक्टिव्स 2 एंड देन देयर इज कैपस्टोन 1 एंड कैपस्टोन 2 और उसके बाद फिर आपका आता है कॉमन फाइनल एग्जामिनेशन. तो अब आपके पास लेट्स से यू हैव एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद मेजर्स इन अकाउंटिंग, तो आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कोर 1. ओके, तो कोर 1 एंड दे विल स्टार्ट विद कोर 1. तो उनको तीनों मॉड्यूल्स करने होंगे. सीपीए में एंटर होने की रिक्वायरमेंट ही है कि यू नीड टू हैव एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन अकाउंटिंग. तो ओके पे गए तो आप एंटर ही नहीं कर सकते. ओके, तो अगर आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है या अंडर अकाउंटिंग डिग्री नहीं है तो आप सीपीए कर ही नहीं सकते. तो दैट्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट. और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन और आपका WEFE असेसमेंट, सीपीए डिसाइड करता है कि आपको कितने कोर्सेज करने हैं यहां पे, राइट? फिर आपको कितने, और हर कोर्स की अपनी अलग अलग फीस है, राइट? अब ये था कि हमने ACCA डिस्कस कर लिया, BCom डिस्कस कर लिया, MCom डिस्कस कर लिया. अब इंडिया के जो CAs होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये भी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी. काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरव्यू लो और बताओ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडिया के उनका क्या स्कोप है. तो जो इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके आ रहे हैं उनका क्या अब स्कोप रहेगा, वो क्या करेंगे यहाँ पे आके? ओके, तो अब जैसे मैं बता रही थी कि ACCA और CPA का MRA है, वैसे ही ICAI और ICAP, पाकिस्तान और इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, को वो लोग सेम ट्रीट करते हैं. ठीक है, उन दोनों का CPA कनाडा के साथ है MOU, विच इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. उसके बेसिस पे इफ़ यू आर मेंबर इन गुड स्टैंडिंग ऑफ ICAI, तो ये है कि आपको जो 3 मॉड्यूल्स थे वो आपको नहीं देने. ठीक है, यू विल डायरेक्टली गो एंड डू कॉमन फाइनल एग्जामिनेशन CFE. ठीक है, तो ये कि आपके सारे मॉड्यूल्स एग्जेम्प्ट होंगे. यू जस्ट हैव टू टेक वन कोर्स विच इज़ लाइक $1500 और आप वो क्लियर करके CPA मेंबर डायरेक्ट बन सकते हैं. तो दैट्स लाइक ऑल्सो अ वेरी फास्ट ट्रैक रूट. लेकिन ये कि ACCA इज़ लाइक द बेस्ट रूट, उसके बाद आता है हमारा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रूट और फिर बैचलर्स वालों को लाइक शुरू से करना पड़ता है. ओके, तो मतलब जो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अगर वो इंडिया की बॉडी के साथ रजिस्टर्ड हैं, गुड स्टैंडिंग में है, मेंबर हैं, तो यहाँ पर आकर उनको भी बस एक फाइनल एग्जाम देना है एंड दे कैन बी द मेंबर ऑफ सीपीए. लेकिन उनको सीपीए डेफिनेशन मिल जाएगी. और आपने बोला कि वर्क एक्सपीरियंस भी कितने, 30 मंथ्स का? तो अगर 30 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस, तो दैट मींस अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और ये वर्क एक्सपीरियंस अगर उनकी बैक कंट्री में रहेगा तभी चलेगा? वो आपको सीपीए से, क्योंकि वो लोग केस बाय केस सबको देखते हैं एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव. तो अगर आप कन्फ्यूज हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो यू कैन ऑलवेज राइट देम एन ईमेल और दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव. आपको बता देंगे कि आपका होगा या क्या है, वो आपको इवैल्यूएट करेंगे
करेंगे ऑन अ केस बाय केस बेसिस. ओके, सो द टेक होम हियर राइट नाउ इज CPA evaluates every profile case by case. तो आपका WAS का आपके courses का evaluation क्या आया है, कितने extra courses आपको करने पड़ रहे हैं, आपका work experience यहाँ पे count होगा या नहीं होगा, because work experience यहाँ पे count होगा आपकी KRAs और JDs देखकर कि आपने अपनी countries से भी या फिर Canada में भी आपने क्या responsibilities handle करी और वो responsibilities CPA की responsibility से match करती है या नहीं करती, तब आपका work experience count होगा, वरना शायद नहीं होगा. तो 30 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको CPA डेजिग्नेशन लेने के लिए. तो ये एक पूरा प्रोसेस रहेगा. और एक बार CPA की डेजिग्नेशन मिल गई तो स्टार्टिंग सैलरी कनाडा में है 50 to 55, एंड इट कैन गो अप टू The average is like 65, but it can go up to 100,000 plus jati hai, but it totally depends on your experience aur aap kitna, you know, how dedicated you are regarding your career aur kitne saal ka aapko experience hai. Guys, main aur Amit recruitment mein hai aur humne kuch aise profiles bhi recruit ki hai CPA profession mein jisme logo ko 100,000 plus bhi salary mili hai. Definitely wo kuch Canada ka experience mangte hai 3-4 saal 5 saal ka, lekin CPA sirf CPA karke you can actually go up to 100-120,000 too. अब अलीशा मैं ये बताओ कि एक बंदे ने CPA डेजिग्नेशन कनाडा में ले ली है, अब कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स उनके लिए ओपन है, किस किन प्रोफेशंस के ऊपर, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं होगा मेरे ख्याल से, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो किस किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स पे वो अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, अब जब हम एग्ज़ाम्स पे ही थोड़ा सा आते हैं, व्हेन यू चूज़ इलेक्टिव्स तो आपको वो चार ऑप्शंस देते हैं, ठीक है. यू कैन डू फाइनेंस, टैक्सेशन, अश्योरेंस, या फिर आप मैनेजमेंट में भी, ये चार ऑप्शंस हैं जिनमें से आप दो आपको सेलेक्ट करने होते हैं फॉर स्पेशलाइजेशन, ठीक है. तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर पब्लिक अकाउंटिंग तो आप ऑडिट और टैक्सेशन ज़रूर पढ़ेंगे, बट यू ऑल्सो हैव लाइक दोज टू अदर ऑप्शंस. अब अगर लेट्स से आपने CPA कर लिया एंड यू स्टार्ट योर जॉब एज एन इन ऑडिट लेट्स से, ठीक है, और आपको नहीं मज़ा आ रहा है, तो यू ऑलवेज हैव ऑप्शन टू मूव. आप टैक्स पे जा सकते हैं, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस में जा सकते हैं, आप आपके पास लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इट्स नॉट लाइक यू आर स्टक विद समथिंग. स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह पे देखें तो CRA में बहुत सारी ओपनिंग्स आती हैं फॉर इंटरनल, फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऑडिट्स, GST HST ऑडिट्स होते हैं, इंटरनेशनल ऑडिट्स होते हैं, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट भी CPA की होती है, ठीक है. तो लेट्स से आपको मिल गई, आपने स्टार्ट किया, नहीं समझ आ रहा, यू कैन ऑलवेज मेक अ चेंज. आप अकाउंटिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस में, लाइक एक्सटर्नली लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट एन अकाउंटिंग प्रोफेशन, कि आपको उसी में रहना है, लेकिन जब आप एंटर होंगे तो यू विल नो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास टू मूव. तो ये है कि अगर आपको अपना करियर होराइजन एक्सपैंड करना है तो CPA डेफिनेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू, सैलरीज में भी, प्रोफाइल में भी, और मेजर कंपनीज में अप्लाई करने के लिए भी, दैट हेल्प. सो दिस इज अ स्कोप फॉर CPA, राइट? CPA, या. अब CPA से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो. व्हाट अबाउट किसी को करियर लैडर अप टू मूव करना है, कॉर्पोरेट लैडर मूव करना है, मैनेजेरियल प्रोफाइल पे जाना है, CEO जैसी प्रोफाइल पर, CFO प्रोफाइल पर जाना है, तो उनके लिए ये CPA डेजिग्नेशन चलता है, काफ़ी है? चलता है फॉर अ वेरी सीनियर पोजिशन, लेकिन अब आपने एक पोजिशन पर जाके आपने देखा कि यू वांट टू गो फॉर मैनेजेरियल रोल्स, तो आप उसके में फिर CMA भी कर सकते हैं. तो ये कि आपको बहुत सारी एग्जेम्पशंस मिल जाएगी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन CPA, तो आपको CMA के कोर्स में बहुत सारी एग्जेम्पशंस मिलेगी. देन यू जस्ट हैव टू डू आई गेस वन कोर्स, और फिर ये कि आप CMA से रिलेटेड भी प्रोफाइल्स पर अप्लाई कर सकते हैं. तो ये हमने देखा है कि जितने कोर्सेज करने पड़ रहे हैं, जितने एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं, हर कोर्स और हर एग्जाम की फ़ी अलग है. तो जो इंडिया से CA करके आ रहे हैं उनको कितना पैसा पे करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले तो उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, फिर वही बात कि 800 एंड समथिंग डॉलर उनकी ईयरली रजिस्ट्रेशन के होंगे, और $125 इज़ द वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है. उसके अलावा जो है वो CPA की वेबसाइट पे लिखा है कि दे इनकरेज स्टूडेंट्स टू डू Capstone 1 एंड Capstone 2, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी. तो लेट्स से कि आप नहीं करते, आप डायरेक्ट कॉमन फाइनल एग्ज़ाम दे देते हैं अपना, तो विच इज़ लाइक $1500. लेकिन अगर वो नहीं करते Capstone 1 एंड 2, तो इट शुड कॉस्ट दम अबाउट $3000. प्लस जो कॉमन फाइनल एग्जामिनेशन है वो ये है कि बिकॉज वो एक केस बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, विच इज़ वेरी डिफरेंट टू वट यू आर यूज टू फ्रॉम बैक होम. तो ये कि लोग कोचिंग लेते हैं उस एग्जाम को करने के लिए, CPA डज नॉट प्रोवाइड कोचिंग, तो वो आपको एक्सटर्नली लेनी होगी. तो लेट्स से आपको 1500 तक की कोचिंग मिलती है, तो अगर आप वो कोचिंग भी लेते हैं, सो दैट्स अनदर लाइक 1500 की कॉस्ट. अगर आप Capstone 1 एंड 2 भी देते हैं, सो दैट्स लाइक 1300 ईच उस कोर्स की फीस है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 5000 प्लस जाएगा अगर आप कोचिंग और Capstone 1 एंड 2 भी देते हैं. तो यार अब ये तो हो गया कि कैसे करना है, क्या करना है, फीस कितनी भरनी है और क्या सब होगा, मुश्किल कितना है ये क्लियर करना एग्जाम्स? यार ऑनेस्टली जो स्टडी पोर्शन है वो ये कि 30 उनका अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट यू हैव टू डू ऑल दी 6 कोर्सेज इन 2 ईयर्स, ठीक है. उसके साथ साथ आपको 30 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए. सो
अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ लाइक अ पार्ट टाइम स्टडीज़, क्योंकि आपको फुल टाइम वर्क करना है और पार्ट टाइम आपको ये पढ़ना है, विच इज़ लाइक वेरी टफ. तो जो 30 मंथ्स आपके स्टार्टिंग के हैं, आप सोशल लाइफ भूल जाए, आप स्टडी करें, आप काम पे फोकस करें, दैट्स व्हाट्स गोना हैपन. तो ये कि मैं ये नहीं बोलूँगी इट्स वेरी इजी या इट्स वेरी डिफिकल्ट, इफ़ यू आर डेडिकेटेड तो आप कर लेंगे, लेकिन ये कि आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी. सीपीए इज़ लाइक कैनेडियन सीए, राइट? जैसे इंडिया पाकिस्तान के सीए हैं, तो कैनेडा में सीए बनने के लिए सीपीए लेना ही पड़ेगा आपको, राइट? तो उतना ही मुश्किल है, मगर अगर इंडिया में क्लियर कर लिए एग्जाम, पाकिस्तान में कर लिए एग्जाम, तो कैनेडा में भी कर ही लेंगे हम लोग एग्जाम क्लियर, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं. हाँ, जो लोग बी कॉम एम कॉम है और जिन्होंने सीए वहाँ नहीं किया, तो शायद उनको थोड़ा सा मुश्किल होगी, बट फिर उनको पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करनी है, उनको कोर्सेज भी 3 करने करनी होगी, बिकॉज़ इट्स लाइक अ टोटली डिफरेंट, उनकी अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट है. फ्रॉम बैक होम जैसे हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, वैसा नहीं होगा. केस बेस्ड एग्जाम्स होंगे, आप लोग को बहुत डिफरेंट लगेगा, और मे बी आप लोगों को कोचिंग लेनी ही पड़े, बट लाइक पढ़ना जरूर पड़ेगा. ओके, तो मतलब अगर बी कॉम एम कॉम किया और इंडिया में चांस नहीं मिला सीए बनने का, तो कनाडा में फिर आपको एक चांस मिलेगा सीए बनने का, राइट? तो अब ये बात हो गई सारी. ये बताओ कि यार किसी ने कनाडा की पीआर नहीं लिया, अभी प्लान कर रहा है कनाडा की पीआर लेने के लिए, तो क्या वो सीपीए डेफिनेशन ले सकता है? Unfortunately, no, because in order to give examinations, you have to be in Canada. Although exams online hai, lekin wo physically you have to be in Canada in order to take the exams. Agar aap, let's say, abhi aap Canada ke baahar hain, but you've already decided ki aapko CPA karna hai, to aap ye kar sakte hain ki aap register kara lein starting mein, just to become a student, theek hai? Aapko exams wagera book na karayein, just register as a student, kyunki even registration mein minimum of 12 weeks lagte hain. तो ये कि आप ये टाइम आप पहले से निकाल कर आए वाइल यू आर आउटसाइड ऑफ कनाडा, और जब कनाडा आए तो फिर आप अपना स्टडीज शुरू करें. और अगर किसी में पीआर नहीं है तो वो रजिस्टर नहीं कर सकता? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट. और स्पेसिफिकली अगर आप स्टूडेंट परमिट पे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको सीपीए के बेसिस पे स्टूडेंट परमिट मिले या वीज़ा मिले, तो नहीं हो पाएगा ये. एग्जैक्टली. तो मतलब सीपीए करने के लिए या सीपीए कोर्सेज करने के लिए कोई वीज़ा नहीं मिलता है? नहीं. तो कोई अगर यहाँ पर बैचलर्स करने आया कनाडा में, तो वो सीपीए कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं. और इसके साथ एक एडवांटेज ये है कि सीपीए की वेबसाइट पे ही लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ से अगर आप बैचलर्स कर लें इन मेजर्स इन अकाउंटिंग, या फिर अगर आप मास्टर्स कर लें, तो आपके सीपीए के 2 इवन 3 मॉड्यूल तक भी एग्जेम्पशन मिल जाती है. तो इफ़ यू आर इन कैनेडा, आपने देख लिया है कि जी आपने सीपीए करना है, यू आर श्योर अबाउट इट, तो फिर आप अपने कोर्सेज को इस तरह से ले सकते हैं कि आप आगे जाके बहुत सारे सीपीए के एग्जेम्पशन क्लेम कर सकें. तो कनाडा से स्टडीज करने का ये फायदा होता है. और वर्क परमिट में जो लोग हैं वो कर सकते हैं? बिल्कुल, वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. तो मतलब इतनी सी बात है कि आपको कनाडा में होना चाहिए एग्जाम देने के लिए. तो मतलब अगर आप यहाँ पर पीआर होल्डर हैं, स्टूडेंट वीजा पर हैं या वर्क परमिट पे हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर सीपीए. तो आज के वीडियो के लिए था इतना ही. आई अगेन से थैंक्स टू अलीशा हमें इतनी वैल्यूएबल और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए. और आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.